हेलो गाइस, तो आज हमारा टॉपिक है अल्जाइमर डिजीज़। अल्जाइमर डिजीज़ इज द मोस्ट कॉमन फॉर्म ऑफ डिमेंशिया इन ओल्डर एडल्ट्स विद एन इंक्रीज्ड इंसिडेंस एज अ फंक्शन ऑफ एज। होता क्या है अल्जाइमर डिजीज़ में कि डीजनरेशन होती है कॉर्टेक्स की, तो हमें क्या मिलेगा, इम्पेयरमेंट मिलेगी हायर कॉग्निटिव फंक्शंस की। हायर कॉग्निटिव फंक्शंस में आपके जो है आती हैं प्लानिंग, एक्सप्लेनेशन, एनालिसिस, सिंथेसिस, कॉग्निशन, कॉम्प्रिहेंशन, इन सब में डेफिसिट और इम्पेयरमेंट मिलेगी हमें। ठीक है, ड्यू टू इम्पेयर्ड चीज़ें पेशेंट म्यूट इमोबाइल डिसेबल सा हो जाता है। तो होती कब है, ये मोर देन 45 ईयर्स ओल्ड एज पेशेंट में हो सकती है। आते हैं प्रिवलेंस पे। प्रिवलेंस इसकी जो है 1% है इन द 60-65 ईयर्स ओल्ड पेशेंट में। ये इंक्रीज होती है विद एज, तो 40% की प्रिवलेंस होगी व्हेन पेशेंट्स कम्स 80-90 ईयर्स इन ओल्ड। ठीक है, एथोफिजियोलॉजी एंड कॉजेज, जो इसके कॉजेज हैं वो स्पोरैडिक कॉज हैं और फैमिलियल कॉज हैं। स्पोरैडिक कॉज में आपके एनवायरमेंटल फैक्टर एंड जेनेटिक फैक्टर्स आते हैं। फैमिलियल कॉजेज में कुछ कंडीशंस जैसे डाउन सिंड्रोम हो गया, दूसरे सिंड्रोम्स हो गए, वो मिलते हैं। जबकि जेनेटिक और एनवायरमेंटल फैक्टर्स में आपके एज रिलेटेड हो गया, कोई ट्रामा हो गया, कोई एक्सीडेंट हो गया जिसकी वजह डिस्ट्रोफी हो रही है, और जेनेटिक्स में आपकी जो है म्यूटेशन होगी, ट्राइसोमी होगी, जीन 21 की म्यूटेशन होगी आपकी 14 क्रोमोसोम में और क्रोमोसोम 1 में। ठीक है, तो मिलते क्या इसमें हॉलमार्क कंडीशंस क्या हैं कि एग्रीगेट होती हैं एबनॉर्मल प्रोटीन्स आपके न्यूरोनल और कॉर्टिकल सेल्स में। ठीक है, दो टाइप्स की हमें इसमें एबनॉर्मलिटीज और एग्रीगेशन मिलेंगी जो फॉर्म करेंगी प्लाक्स एंड न्यूरोफेबुलरी टैंगल्स को। ठीक है, ये जो प्लाक फॉर्मेशन पोजीशन होती है वो इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स जनरेट करती हैं फ्रॉम माइक्रोग्लिया एंड एस्ट्रोसाइट। दी इज रिस्पॉन्सिबल फॉर असिस्ट इन द क्लियरेंस ऑफ एग्रीगेट पेप्टाइड्स, बट मे आल्सो स्टिमुलेट अ सीक्रेशन ऑफ मीडिएटर दैट कॉज डैमेज ऑफ द कॉर्टिकल न्यूरॉन्स। ठीक है, ड्यू मतलब ये ड्यू इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स जनरेट हो रहा है तो उसके साथ कुछ ऐसे टॉक्सिन्स जो है सीक्रेशंस रिलीज हो रही हैं जो डैमेज कर रही है कॉर्टिकल न्यूरॉन्स को, तो हमें कॉर्टिकल एट्रोफी मिलेगी। ठीक है, दीज आर द 10 साइंस और द प्रेजेंटेशंस विच पेशेंट्स ऑलवेज कंप्लेन अबाउट द मेमोरी लॉस। ठीक है, चैलेंज इन प्लानिंग एंड सॉल्विंग प्रॉब्लम्स, तो हमने पहले बात की सारे हायर कॉग्निटिव फंक्शंस की, सारी इसमें इंपेयरमेंट मिलेगी, कन्फ्यूजन हो गई। ठीक है, चेंज इन मूड एंड पर्सनैलिटी। मॉर्फोलॉजी पे आते हैं। मॉर्फोलॉजी में ये पिक्चर शो कर रही है कि कॉर्टिकल एट्रोफी हो रही है, साथ में नैरोइंग ऑफ सल्का एंड सॉरी नैरोइंग ऑफ गायरा एंड वाइडनिंग ऑफ सल्का हो रहा है यहाँ पे। ठीक है, ये पिक्चर है इसकी। ये जो इन्वॉल्व करेगा वो करेगा आपके हिप्पोकैम्पस को, नियोकॉर्टेक्स को और अमाइगडाला को। अर्ली ये इसकी इन्वॉल्वमेंट जो है मॉर्फोलॉजिकल नज़र नहीं आती, बट द लेटर एज और सीवियर एज हम ये चीज़ें स्कैन के थ्रू पता पड़ जाएंगी। आते हैं इसकी हिस्टोपैथोलॉजी पे। हमने दो बात की थी, दो चीज़ें हमें मिलेंगी डिपोजिशन, एक प्लाक्स मिलेंगी, दूसरे न्यूरोफेबुलरी टैंगल्स मिलेंगे। आते हैं प्लाक्स पे। प्लाक्स के फोकल स्पेरिकल कलेक्शन डायलेटेड टॉर्शियस न्यूरोटिक प्रोसेस ऑफन अराउंड अ सेंट्रल एमोलाइड कोर विच मे बी सराउंडेड बाय द क्लियर हॉलो। ठीक है, ये इसकी पिक्चर, ये आपको एरो है वो आपको जो है डिपोजिशन बता रहा है कि ये प्लाक फॉर्मेशन हो रही है इसकी आपके एमोलाइड कोर के साथ। फॉर्म कहाँ होगी आपकी, हिप्पोकैम्पस, एमाइगडाला एंड नियोकॉर्टेक्स में। फिर आते हैं न्यूरोफेबुलरी टैंगल्स पे। न्यूरोफेबुलरी टैंगल्स किसकी डिपोजिशन है, टाउ प्रोटीन की डिपोजिशन है, और जो टाउ प्रोटीन्स हैं और टैंगल्स हैं वो एग्रीगेशन है माइक्रोट्यूबुल बाइंडिंग प्रोटीन्स की, जो एक्स्ट्रा सेलुलरी जो है प्रेजेंट होती है आफ्टर न्यूरोनल डेथ के। ठीक है, टाउ प्रोटीन्स होती है सर फ्लेम शेप राउंडेड सेल्स होते हैं, और इसे बास्केट वेव फाइबर्स भी कहा जाता है, विच आर अराउंड द न्यूक्लियस टेक ऑन द राउंडेड कॉन्टोर ग्लोबोस टैंगल्स। दिस इज अ पिक्चर ऑफ द न्यूरोफेबुलरी टैंगल्स विच इज अराउंडेड सेल्स आर नोन एज ग्लोबोस टैंगल्स। ठीक है, और हमें इसमें कुछ इजोनोफिलिक सेल्स भी मिलेंगे।
और ये द थर्ड वन इज सेरिब्रल एमोलॉइड एंजियोपैथी। स्पेशली इसमें एमोलॉइड जो है वो डिपोजिशन हो जाती है ब्लड वेसल्स में और ये कॉज कर सकती है आपकी और बड़ा रिस्क बढ़ाती है हेमरेज का। अच्छा, चेंजेस क्या मिलेंगे ब्रेन में? सबसे अर्ली और माइल्ड फॉर्म में जो है आपको जो सिम्टम्स मिलेंगे वो इतने लाइट से मिलेंगे कि इट्स में अभी ये लगे पेशेंट स्ट्रेस में है या कन्फ्यूज स्टेट में है। बट जहाँ पर ये इफेक्टेड होगा जो ब्लूश एरिया ये है हिप्पोकैम्पस, ये हिप्पोकैम्पस पे पहले इन्वॉल्वमेंट होती है माइल्ड कंडीशंस में। देन द मॉडरेट कंडीशन, उसमें भी आपको जो प्लाग और टैंगल्स होंगी वो स्प्रेड होंगी फ्रॉम हिप्पोकैम्पस फॉरवर्ड टू द फ्रंटल लोब। ये देखिए ब्लू जो शेडो है ये हिप्पोकैम्पस फ्रंटल लोब की तरफ स्प्रेड हो रहा है। तो ये इन्वॉल्वमेंट जो है अल्जाइमर डिजीज में माइल्ड कंडीशन में आपको मिलती है और मॉडरेट कंडीशन में। सीवियर कंडीशन, द प्लाग्स एंड टैंगल्स आर एग्रीगेट एंड स्प्रेड थ्रू आउट द सेरिब्रल कॉर्टेक्स, ये पूरे कॉर्टेक्स पे आपको जो है डिपोजिशन मिलेगी जिसमें आपको सारे सिम्टम डोमिनेंट नज़र आते हैं। ट्रीटमेंट, ट्रीटमेंट इसका कोई नहीं है बट डॉक्टर्स जो होते हैं मोस्टली कंजर्वेटिव ट्रीटमेंट देते हैं, जैसे कि साइकोलॉजिकल सपोर्ट दे देंगे, साइकोलॉजिकल ड्रग्स देंगे, एंटी डिप्रेसेंट्स दे देंगे, ठीक है, एंटी कोलिनर्जिक स्ट्रेस दे देंगे जैसे डोपेंस डोनीपेजिल हो गई या गैलेंटामिन हो गई, ठीक है, और NMDA रिसेप्टर दे सकते हैं। तो इसकी जो है मतलब प्रोग्रेस को रोकना है मेमोरी लॉस की, बस इसकी कोई और ट्रीटमेंट नहीं है। तो यहाँ पे हमारा टॉपिक एंड हुआ। कोई क्वेरी हो, कोई क्वेश्चन हो तो प्लीज़ इनबॉक्स कर दीजिएगा, कोशिश करूँगा सॉल्व कर दूँ। शुक्रिया।